बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू और चिकन की तीखी वाली बिरयानी, जिसके लिए मैंने एक यहाँ पर चावल ले लिए, सेला चावल है जिसको मैंने तकरीबन एक घंटा हो गया है, मैंने भिगो के रखे हैं। और अभी जब तक मसाला नहीं बनाऊँगी, जब तक ये भीगे हैं, तकरीबन डेढ़ घंटा भिगोएँ, चावल भीगे हुए हैं डेढ़ दो घंटे, सेला चावल को ज़रूर भिगोना चाहिए, तो ये भीग भी सही से जाते हैं और फूल कर बड़े भी हो जाते हैं। एक किलो चावल के लिए मैंने लिया आधा किलो चिकन, आधा किलो टमाटर, आधा किलो आलू लिए, मैंने छिलके समेत लिए हैं। आप लोग चाहें तो छिलके उतार भी सकते हैं, मैं छिलकों के साथ ले रही हूँ, लेकिन अगर छिलकों के साथ डालें तो फिर इनको धोएं साफ से बिल्कुल सही से, करके मिट्टी लगी हुई थी छिलकों में, बहुत दो तीन बार पानी धो के फिर ऐसे आप लोग पानी में भिगो के रख दें। ये पाउडर मसाला है, खुला बिरयानी मसाला है, आधा चम्मच हल्दी का है, एक चम्मच सूखा धनिया, नमक अपनी ज़रूरत के मुताबिक लूँ या भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक लें। ये जो खुला बिरयानी मसाला है तकरीबन ढाई चम्मच होएगा। और ये सामान जो है दम पे लगाने के लिए है, एक नींबू कटा हुआ रखा है, चार हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा पुदीना है, और यहाँ पर दो दरमियाने साइज के प्याज काट के ऑयल में डाल दें। एक चैली मैंने ऑयल की ली थी, उसमें मैंने प्याज डाल दिए हैं गोल्डन होने के लिए, जब ये गोल्डन हो जाएगा तो फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। यहाँ पर प्याज तकरीबन गोल्डन हो गए हैं और इस टाइम में इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। यहाँ भी इस टाइम पे मैं इसमें चिकन, आलू, टमाटर वगैरह सब कुछ डालकर इसका ढक्कन ढक के छोड़ दूंगी हल्की आंच में। इस टाइम मैंने सारा सवार इसमें डाल दिया, आलू भी डाल दिए, टमाटर, चिकन और जो सूखे मसाले थे वो भी डाल दिए मैंने इसमें। फिर मैंने प्याज को गोल्डन किया, फिर उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, उसको कुछ देर भुनाने के बाद फिर मैंने उसमें सारा सामान डाल दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी। मैंने इसमें गिलास पानी भी डाल दिया है और मैं इसका ढक्कन ढक के छोड़ दूँगी और इसको पकने दूँगी। मैं आलू को, चिकन को भी, टमाटर वगैरह जब सब पक जाएंगे मसाला सही से बन जाएगा। अगर मुझे सही लगेगी बिरयानी की ग्रेवी तो मैं यही छोड़ दूँगी, अगर मुझे पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कुछ पानी डालूँगी। अगर मैं जो भी पानी भी डालूँगी तो आप लोगों से अभी तो मैं दिखाऊँगी। और मुझे मसाला तैयार होगा, बस चावल डाल कर मैं इसमें चावल डाल कर चावलों को मैं दम लगा दूँगी और हमारी बिरयानी तैयार हो जाएगी। बिल्कुल आसान, बस इस टाइम पर मैं इसको कवर करके रख दूँगी और आप लोग भी इस रेसिपी से बने, बिल्कुल आसान बनेगी। और इस दौरान जब तक ये मसाला पकेगा तो मैं कोई और काम भी कर सकती हूँ। आप लोग भी इस तरीके से ही खाना बनाया करें, हल्के फुल्के दाल में बिल्कुल जल्दी से खाना भी बन जाता है, इस दौरान कोई और काम भी आप लोग कर सकते हैं। ये कंडीशन में भी कुछ देर में इसको और साथ इसको भून लूँगी, चावल बॉयल हो जाएंगे तो फिर हम इसको मिक्स करके दम पे लगा देंगे और मेथे वाली तैयार हो जाएगी। फिर हल्की आँच में रख दें, मसाला भी पक जाए, हर चीज़ गल जाए, फिर उसके बाद जो है आँच आप लोग तेज़ कर दें पानी सुखाने के लिए। और एकदम से जो है आपके मत क्या करें, मसाला जल्दी आता है और चीज़ गलती भी नहीं है इसी से। यहाँ मैंने तकरीबन आठ गिलास पानी लेके देगचे में डालकर रख दिया बॉयल करने के लिए। इसमें मैंने एक चम्मच नमक का डाला है और दो चम्मच मैंने इसमें ऑयल के डाले हैं। जैसे ही उबाल आएगा मैं इसमें चावल डाल दूँगी, जो मैंने चावल धो के भिगो के रखे हुए हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी। और जब एक कनी कच्ची रह जाएगी तो मैं इसका पानी गिरा दूँगी, क्योंकि पानी मैंने साग पर डाला है, पानी इसमें ना रहेगा ही नहीं, जो थोड़ा बहुत रहेगा तो वो भी मैं निकाल दूँगी। और एक कनी आप लोग चावल की कच्ची रहने दें और ऑयल ज़रूर डाला करें, ऑयल नहीं डाले तो नींबू डाल दें, नींबू का रस डालें एक चम्मच, लेकिन ऑयल या नींबू में से एक चीज़ ज़रूर डालें। इससे ये होगा कि आप लोगों के चावल चिपकेंगे नहीं बिरयानी के, और जो बॉयल होंगे तो वो दाना दाना होंगे, खिले खिले भी होंगे। और यहाँ पे जो मसाला मैंने ढक के रखा था उसकी ये कंडीशन है इस टाइम मशाला से। और अभी कुछ देर में चम्मच चलाऊँ देखूँ, अगर मुझे लगे आलू वगैरह गल गए हैं, मसाला अगर तैयार हो गया तो चूल्हा बंद कर दूँगी, नहीं तो कुछ देर में पकने दूँगी। और यहाँ पे जो मैंने एक गिलास पानी पहले डाला था वही मसाले में पकाए और मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब तकरीबन मैं इतनी ग्रेवी रखूँगी बिरयानी के लिए। और यहाँ पर पानी में बॉयल आ गया है, इसमें चावल डालूँ भी बॉयल करने के लिए। चावल कुछ देर बॉयल होंगे, जब एक कनी कच्ची रह जाएगी तो मैं फिर चावलों को दम लगा दूँगी। अब
पे पानी मैंने चावलों का सारा गिरा दिया है और ये सब चावल जो मैंने बॉयल करे हुए हैं, 1 किलो चावल जो डायरेक्ट मैं सारे मसाले में डाल दूँगी आराम से। और मैं डालने के बाद साइड से चम्मच से कुछ मसाला उठाती जाऊँगी और बीच बीच में रखती जाऊँगी और इस तरीके से चावल फैला के कुछ साइड में सफ़ेद रहने दूँगी, कुछ मसाले वाले हो जाएंगे। और इसके ऊपर मैं ये दम का सामान लगा कर और ये रुमाल जो है ये ढक्कन में लपेट के मैं चावलों को दम लगा दूँगी। 1 मिनट तक तेज़ आँच रखूँगी, फिर उसके बाद हल्की कर दूँगी। तकरीबन 10 मिनट तक इसको दम लगाने के बाद हमारी झटपट सी बिरयानी तैयार हो जाएगी। और यहाँ देखिए हमारी बिरयानी तैयार हो गई है। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी रेसिपी? अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।